भारत के संविधान में केंद्र के समान राज्य में भी राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान है। भारतीय संविधान में राज्य मंत्री परिषद के लिए कोई भी अलग से प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन दो अनुच्छेद 163 और 164 में मंत्री परिषद के बारे में राज्य मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। 163 में राज्य मंत्री परिषद की स्थिति के बारे में और 164 में उसके वेतन, भत्ते, नियुक्ति और शपथ के बारे में बताया गया है। संवैधानिक प्रावधान 163, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य मंत्री परिषद होगा। यदि राज्यपाल अपने वैधानिक प्रावधान के अनुसार किसी की नियुक्ति करता है, उसको छोड़कर अन्य प्रावधानों के लिए वह राज्य मंत्री परिषद से सलाह लेगा। दूसरा है कि राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल को क्या सलाह देगा, इसके लिए उच्च न्यायालय में कोई प्रावधान नहीं है और ना ही इस पर कोई बहस किया जा सकता है कि मंत्री परिषद ने उसको क्या सलाह दिया और क्या नहीं दिया। 164, इसमें अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जनजातीय मंत्री का प्रावधान है, बिहार को इससे अलग कर दिया गया है 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के तहत। पहले यह बिहार और मध्य प्रदेश में भी इसका प्रावधान था, लेकिन 94वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बिहार को इससे अलग कर दिया गया है। राज्य विधानमंडल में सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई कि विधानमंडल के कुल सदस्यों का 15% सदस्य ही होंगे और ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है। राज्य विधानमंडल के जो कुछ सदस्य हैं, जो कि दल बदल कानून के आधार पर एक सदस्य से दूसरे सदस्य में चले जाते हैं, तो उनको 91वां संविधान संशोधन के द्वारा भी इस पे प्रावधान किया गया है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है और राज्य मंत्री परिषद का एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और राज्य मंत्री परिषद का वेतन भत्ता जो है वो मंत्री राज्य विधानमंडल के द्वारा दिया जाता है। 166 में है राज्य सरकार का कार्य संचालन, राज्य के राज्यपाल का कार्य संचालन। इसमें बताया गया कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में कार्य होता है, इसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल जो होता है वो मुख्य होता है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। 167 में है मुख्यमंत्री का कार्य। इसमें है कि मुख्यमंत्री राज्य में जो भी प्रशासनिक और वैधानिक कार्य हो रहा है उसकी सूचना राज्यपाल को देगा। और दूसरा है कि यदि राज्य में जो भी प्रशासनिक और वैधानिक कार्य हो रहा है, यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगे तो राज्यपाल को वो सूचित करेंगे। 177 में है मंत्रियों से संबंधित अनुपबंध। राज्य विधान परिषद में एक सदन का सदस्य दूसरे सदन में प्रश्न पूछ सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, परंतु वह मतदान नहीं कर सकता, वह मतदान सिर्फ अपने सदन में कर सकता है। और मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल के द्वारा जो भी अपने विवेक के आधार पर निर्णय लिया गया है उसको छोड़कर अन्य जो भी निर्णय लिए जाएंगे वह राज्य मंत्री परिषद के सलाह से और परामर्श से लिए जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल की संतुष्टि मंत्री परिषद की संतुष्टि के आधार पर है। और 1874 में कोई केस है, शमशेर सिंह केस है, जिसमें कि यह बताया गया है उच्च न्यायालय में कि राज्यपाल कोई भी निर्णय बिना मंत्री परिषद के सलाह के नहीं ले सकता है। मंत्री परिषद का शपथ और वेतन, राज्य मंत्री परिषद अपने कार्य प्रारंभ करने से पहले वह शपथ लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक अपने कार्य का निर्वाह करूंगा, संविधान की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा और क्षय, अनुराग, भय, द्वेष के बिना देश की सेवा करूंगा और
सभी को एक समान न्याय दूंगा। राज्य मंत्रिपरिषद का वेतन और भत्ता राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो इसके तीन भाग है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। और इसमें सबसे सर्वोच्च जो होता है वो कैबिनेट होता है, जिसका कि मुख्यमंत्री होता है और दो अन्य मंत्री हैं। और कभी कभी इसमें जो है उप मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाता है। कुछ राजनीतिक, जब अन्य राजनीतिक कार्यों को करना हो तब उप मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है। और कैबिनेट मंत्री जो है कुछ अन्य प्रावधान भी करता है, जैसे कुछ राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में और राज्य के नीति निर्देशक कुछ प्रावधान में ये कुछ कार्य करता है।